नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश का मथुरा इन दिनों काफी चर्चाओं में है। हाल ही में आपको याद होगा, दो मुस्लिम युवकों ने नंद बाबा मंदिर पहुंचकर नमाज पढ़ी थी और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। हालांकि इसके बाद जो दो युवक थे उनको, उनमें से एक फैजल को हिरासत में लिया गया था और उन्होंने अपने इस पूरे काम को करने के बाद माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि हम शांति भंग करने के लिए नहीं गए थे, हम किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं गए थे, हम बहुत नॉर्मल तरीके से गए थे और हमारा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था। इन के बीच अब एक और मामला सामने आया है। दरअसल मथुरा के ही गोवर्धन इलाके की ईदगाह में चार युवकों ने पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ी है। आज ही का ये पूरा घटनाक्रम है। मंगलवार सुबह चार युवक, जिनके नाम सौरभ लंबरदार, राघव मित्तल, काहना और कृष्णा ठाकुर बताए जा रहे हैं, ये चारों ईदगाह पर पहुंचे और यहां पर इन चारों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इन चारों का ही हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, वहां की पुलिस ने एक्शन लेते हुए इन सभी को एक तो हिदायत दी कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी है और साथ ही साथ शांति भंग करने के आरोप में इनका चालान किया और इनको घर भेज दिया। अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल पहले मंदिर में नमाज पढ़े जाना और उसके बाद ईदगाह में हनुमान चालीसा का पढ़ना वहां की शांति भंग के तौर पर देखा जा रहा है। वहां के जो SP हैं उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं करने देंगे, शांति और जो एक शांतिप्रिय माहौल है उसको बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, इससे पहले जो फैजल खान ने नमाज पढ़ी थी मंदिर में पहुंचकर, वो माफी मांग चुके हैं, लेकिन जिन चार युवकों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है उन्होंने डंके की चोट पर इस बात का ऐलान किया है कि हाँ, हमने ईदगाह में जाके हनुमान चालीसा पढ़ी, लेकिन हमने किसी धोखे से नहीं पढ़ी है बल्कि हमने अपने मन से पढ़ी है और हम चाहते थे कि एक मैसेज जाए, हिंदू मुस्लिम एकता का हम सारे में एक संदेश दें, इसी के तहत हमने ईदगाह में पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ी है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें जरूर बताइएगा।